हेलो दोस्तों, तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए जो भी करवा चौथ मतलब रखे हैं मेरे माता भाई बहन दीदी सिस्टर ब्रदर मदर फादर जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं उन लोगों के लिए मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ अपने तरफ से। जो माता बहन है जो करवा चौथ कर रही है उनके लिए मैं एक गिफ्ट देने वाला हूँ। तो प्लीज मेरा छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए मैं देने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या गिफ्ट देने वाला हूँ आप सभी को, और प्लीज अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना कमेंट में। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद ज़रूर देना। मैं छोटा सा एक सरप्राइज है, मालूम नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, तो वही सोचा हूँ कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट करवा चौथ के जो भी करवा चौथ कर रहे हैं उनको एक छोटा सा मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। और उसको सेटिंग करने नहीं आएगा तो सेटिंग करने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोगों को सेटिंग भी करने आ सके। तो क्या तोहफा है उसका इंतज़ार मतलब बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार था, सब कोई बोल रहा था क्या तोहफा है क्या तोहफा है, कुंदन भाई ज़रूर बताओ। तो मैं ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में, आप लोग बने रहें। तो मैं उस जो मतलब जो घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी अभी आने ही वाली है कुछ पलों में, तो मैं आपको ज़रूर मैं तब दिखाता हूँ। और जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मतलब जितना भी मुझे सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए, तो उनको भी मैं जिनको नहीं दे पा रहा हूँ गिफ्ट उनको भी मैं गिफ्ट दूंगा, ठीक है। अगली बार मैं ज़रूर गिफ्ट दूंगा। और जिनको मतलब चाहिए कि हाँ मतलब कुंदन भाई या कुंदन बेटा या कुंदन मतलब ब्रदर जो भी बोल रहे हैं तो बोलना कि कुंदन भाई मुझे भी चाहिए ये गिफ्ट, तो मैं उनको भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे दुश्मनी करता हूँ, सब लोग मेरे प्यारे भाई हैं प्यारे बहन हैं प्यारे माता जी हैं प्यारे मतलब जो भी लगते हैं वो मेरे मतलब प्यारे हैं। तो मैं उनको भी मतलब संतुष्ट करूँगा और उनको भी मैं गिफ्ट दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए ये, तो मैं ज़रूर उनको भी ये गिफ्ट दूंगा। तो चलिए उसका इंतज़ार है तो उस इंतज़ार को मैं मतलब दिखाने जा रहा हूँ। तो क्या है वो गिफ्ट वो तो आप लोगों को मन में मतलब कब से हो रहा होगा कि क्या गिफ्ट कुंदन भाई ने बनाया है कुंदन बेटा ने क्या गिफ्ट दिया है मुझे, तो उसका मतलब बेसब्री से इंतज़ार है। तो चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए ये गिफ्ट क्या है और क्या नहीं है, ठीक है इसको देखिए। हम काइन मास्टर में देखिए काइन मास्टर है तो इसको क्या करेंगे हम खोलेंगे, ठीक है इसको हम खोल दिए काइन मास्टर को खोल दिए, ठीक है। तो ये रोटेट हो गया, ठीक है देखिए हम ये मीडिया में जाएंगे, ठीक है। तो मीडिया में जाएंगे तो जो भी शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो उस पर क्या करेंगे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम मीडिया पर क्लिक करते हैं और देखिए अपने फाइल से कोई भी मतलब एक मतलब वीडियो ले लेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक छोटा सा ही वीडियो अपना ही ले रहा हूँ ताकि
ताकि मतलब कोई दिक्कत है ना हो। तो इसमें मैं ढूंढ रहा हूँ एक छोटा सा वीडियो इसमें, ताकि दिक्कत ना हो। तो देखिए, मान लीजिए ये वीडियो लिया हूँ, देखिए ये वीडियो ले लिया हूँ, ठीक है। तो इसको अब कटिंग करेंगे, यहाँ पर देखिए कटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर ऊपर में, तो उसको क्या करेंगे हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो कटिंग कर देंगे तो हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो का स्क्रॉल करेंगे ऐसे 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 करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ मान लीजिए, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आ गए। अब इस पर लेयर का ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर ये हटा देते हैं। यहाँ पर लेयर का ऑप्शन है, ये लेयर का ऑप्शन है, क्या करेंगे इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो लेयर पर क्लिक कर दिए, और देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए मीडिया है, ठीक है। तो मीडिया पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इस पर क्लिक कर दिए हैं, और जो भी जो अब जो हम बेल आइकन बनाए हैं, ठीक है ना, जो हम बेल आइकन बनाए हैं जो आपको मैं दिया हूँ, तो देखिए यहाँ पर काइन मास्टर से जाएंगे। और मान लीजिए देखिए मेरा वीडियो है, तो मैं अपना यहाँ पर कुंदन ब्लॉग्स का आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, तो इसी को मैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए चला जाएगा, उस वीडियो पर चला गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको स्क्रॉल करके देखेंगे कहाँ आ रहा है वीडियो पर, तो देखिए स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए इसको हम तो ये तो मतलब ये देखिए पूरा इतना दूर में हो रहा है, तो वीडियो दिख नहीं रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे इसको, देखिए अब देखिए ये जो लाइनिंग है, देखिए फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, उसके बाद फोर्थ है, ऐसे ही नीचे तक जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम ऊपर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम देखिए ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, नीचे में नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, क्या चीज़ का, क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। ये क्रोमा की का ऑप्शन मिल गया है, तो इसको क्या करेंगे हम क्लिक करेंगे। क्रोमा की कहाँ है, देखिए यहाँ पर है क्रोमा की, तो इस पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इस पर क्लिक कर दिए, ठीक है, तो क्रोमा की पर क्लिक कर दिए। और देखिए यहाँ पर ऊपर में ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो इसको ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो क्या करेंगे इसको हम ऑन कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे ऑन कर देंगे। देखिए ऑन कर दिए, तो देखिए ये ऑन कर दिया, तो ये देखिए छोटा हो गया, दिख रहा है ये छोटा हो गया, ऑन कर दिया था इसको, यहाँ दिख रहा है इसको ऑन कर दिए, तो ये क्या हो गया छोटा हो गया, ठीक है। तो देखिए ये ऑन कर दिया छोटा हो गया। अब मान देखिए ये तो वीडियो से बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो तीर के निशान है ये इससे छोटा होता है, और ये जो तीर के निशान है इससे क्या करते हैं हम, तो इससे हम मतलब इधर से उधर मतलब इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दिखा देता हूँ, देखिए इससे हम छोटा बड़ा करेंगे, देखिए ये हटाना पड़ेगा इसको, देखिए इसे छोटा बड़ा कर रहे हैं, छोटा बड़ा कर रहे हैं इसको, देखिए छोटा बड़ा कर रहे हैं नीचे वाले से, और ऊपर वाले से ये रोटेट करते हैं, ठीक है ना, रोटेट करते हैं, ऐसे जैसे लगाना होगा वैसे हम लगा देंगे ऊपर वाले से, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो के लेवल की तरफ हम जाएंगे एकदम, मतलब उसमें वीडियो को एकदम पूरा लेवल ही होना चाहिए, इधर उधर ना हो। तो देखिए इसमें हम मतलब फिक्स कर दिया हूँ, जहाँ आपको फिक्स करना है उस पर क्लिक करके अब इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब इसको मतलब चला कर मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो को, देखिए देखिए 8 सेकंड का है, तो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, देखिए तो स्टार्ट हो रहा है, देखिए कितना सुंदर बेल आइकन आवाज़ भी आ रही है, और कितना सुंदर दिखने में भी लग रहा है, और कितना अच्छा फिक्स भी हो गया है। तो देखिए अब इसको चालू करके दिखा देता हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसमें, और देखिए ऑन भी हो रहा है। इसमें लॉन्ग वीडियो हो शॉर्ट वीडियो दोनों पर लगा सकते हैं, शॉर्ट वीडियो इसमें एडिट करना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थैंक यू सो मच।